नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। मैं हूं जिलाधिकारी रुचि वीरेंद्र कुमार। इस प्रकार आप देख रहे हैं मौसम बहुत ही सर्द है। अरे जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं का जो जोश है अपने उबाल पे, आज शैलेश कुमार जो बानी प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष हैं, साथ ही साथ नगर अध्यक्ष सूरज सिंह और तमाम भारतीय जनता पार्टी का एक एक वफादार सिपाही हनुमान चालीसा का वितरण किया। कहा यह जाता है कि राम के पहले हनुमान है। सबसे पहले अगर राम को मनाना है तो हनुमान को मनाना होगा। इसी क्रम में तमाम भारतीय जनता पार्टी की इकाई ने आज सैकड़ों लोगों को हनुमान चालीसा वितरण किया और आह्वान किया कि आप लोग पहले हनुमान को मनाइए और 22 तारीख का जो है वो जश्न मनाने के लिए आप लोग डूब जाइए। जिस तरह आपको पता है 21 तारीख को दिन के 10 बजे सुबह 10 बजे दुर्गा मंदिर के प्रांगण से बहुत ही भव्य झांकी निकलने वाली, हजारों लोग इस झांकी में शामिल होंगे, इस रैली में शामिल होंगे। कहीं ना कहीं जब से भगवा रंग का नशा लोगों पे चढ़ा है ना, भारत का माहौल ही बदल गया है। दर्शक देखिएगा संजय शर्मा के साथ वीरेंद्र कुमार की बहुत ही खास रिपोर्ट। 22 तारीख का आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है आज? हम लोग सब एकजुट होकर के सबसे पहले तो 22 तारीख को जो उद्घाटन होने जा रहा है भगवान रामचंद्र जी का जो भव्य मंदिर जो वहाँ पर अयोध्या जी में बन रहा है और उसका शिलान्यास सॉरी उद्घाटन उस दिन होना है, उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और बीच बीच में हम लोग जो कि सब जगह पूरे हिंदुस्तान में ज़बरदस्त इसके बारे में खुशियाँ मनाई जा रही हैं। हम लोग का सहयोग एकदम सब तरह से है और हम लोग चाहते हैं कि हमारा धर्म, हमारा सनातन धर्म सदा एकदम जो कि ये झंडा बुलंद रहे सनातन धर्म का। और इसी क्रम में हम लोगों ने ये समय कभी कुछ कार्यक्रम दीपक का वितरण है, हनुमान चालीसा का वितरण है, भगवान राम के जी के जुलूस में हम लोग जो कि हम निकालने जा रहे हैं। तो हम लोगों का विचार है कि हमारा सनातन धर्म हमेशा ऊंचा रहे सबके। और मेरे तो हमारे तो धर्म में ही ये चीज़ लिखी हुई है कि सब धर्म को हम लोग मानने वाले हैं। ये जो सेकुलरिज्म वाली जो बातें उठती है, हमारे विचार से ये एकदम छलावा है। सेकुलरिज्म की तो बात हमारे धर्म में खुद ही लिखी हुई है कि सब धर्म को हम लोग समभाव से मानते हैं, सभी का आदर करते हैं। लेकिन और ऐसा भी कहा गया है कि जब हिंदुत्व की बात आती है देख हो जाते हैं। हाँ, किसी देश को अगर बर्बाद करना है तो सबसे पहले धर्म और संस्कृति को विनष्ट करो। लेकिन ये सनातन धर्म विनष्ट नहीं होने वाला है। हम चाहते हैं कि हम लोग जो है कि हम लोग जितने भी सनातन धर्मी है, हिंदू है, सब एक होकर के हम लोग जो इसके प्रति अपने जो कि धर्म के प्रति हम लोग आस्था चले सर आज यहाँ पूरा भारतवर्ष राम मय है, हमारे जो पूर्वज हमारे माननीय भगवान श्री राम 5000 वर्षों के बाद आ रहे हैं, उनके सम्मान में हर भारतीय आह्लादित है, उत्साहित है और किसी न किसी रूप से अपनी भावना का प्रकट करना चाह रहे हैं। 22 जनवरी के कड़ी में ही एक सिंबॉलिक आज भारतीय जनता पार्टी के वाणिज्य प्रकोष्ठ के तत्वाधान में और नगर अध्यक्ष के सहयोग से हनुमान चालीसा पुस्तक का वितरण किया गया। उस जोश को बरकरार रखने के लिए और उस और गति लाने के लिए कुछ न कुछ कार्यक्रम ये चलाया जा रहा है। ये हमारे माननीय श्री मोदी जी का एक आह्वान है, उस आह्वान के आलोक में, उसके सम्मान में हमारे पूरे ढांचा के हर क्षेत्र में, चाहे वो व्यापारी हो, किसान हो, अधिकारी हो, कर्मचारी हो, सारे लोग इस मिशन में लग गए हैं और अधिक अधिक संख्या में हम लोग वहां जाएंगे। और 21 तारीख को जो एक पद यात्रा निकलेगा पूरे नगर में, वो ऐतिहासिक होगा और पूरे जिले के लिए वो अनुकरणीय और उदाहरणीय होगा। जय जय श्री राम। इस तरह से आज हनुमान चालीसा का वितरण हुआ। तमाम भारतीय जनता पार्टी की नगर इकाई के साथ जिला इकाई भी शामिल थे, तो क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान राम जी का आगमन हो रहा है, राम उत्सव की धूमधाम से तैयारी हो रही है। उसी के आलोक में हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी झाझा नगर प्रखंड संगठन के सभी साथी मिलकर आज भाजपा वाणिज्य प्रकोष्ठ की ओर से हनुमान चालीसा का वितरण किया एवं पूर्व में भी पूजित अक्षत का वितरण समारोह
हम लोगों ने दो दिन पूर्व आयोजित कर पूजित अक्षत का वितरण किया। आगामी 21 जनवरी को झाझा दुर्गा मंदिर चौक से जो जुलूस निकल रहा है, उस जुलूस की सफलता के लिए हम लोग सभी कितने बजे, समय क्या है? 10 बजे से जुलूस निकलना निर्धारित हुआ है 21 जनवरी को। और हम लोग सभी भारतीय जनता पार्टी एवं और अनुसांगिक इकाई के सभी साथी लोग मिलकर इस आयोजित कार्यक्रम को सफल बनाने में लगे हुए हैं। राज्यपाल साहब, हनुमान चालीसा आपके हाथ में, कई फतवा तवा जारी नहीं होगा ना आपके नाम से? ऐसा कुछ भी हमारे देश हिंदुस्तान में कुछ नहीं होगा। हिंदुस्तान के जितने भी वर्ग के लोग हैं सब हिंदुस्तानी हैं, सब राम के चाहने वाले हैं। आप भी चाहने वाले हैं परमात्मा? देखिए देखिए भाई, बहुत बड़ी बात है। क्या कुछ हो रहा है आज हम लोग यहाँ पर आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम लला के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में हनुमान चालीसा का वितरण कर रहे हैं, और आगामी 21 जनवरी को दुर्गा मंदिर चौक से दुर्गा मंदिर के तत्वावधान में एक भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी, और 22 तारीख को भी प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में भजन कीर्तन प्रसाद वितरण लाइव टेलीकास्ट अयोध्या से ये सब कार्यक्रम निर्धारित है। जैसे जैसे 22 तारीख की लोग बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं वाणिज्य प्रकोष्ठ की तरह से हनुमान चालीसा का वितरण हो रहा है। सबों का जोश इस ठंडी में भी पूरी तरह गर्म है, कहीं ना कहीं मौसम पर। होगा एक ही नाम, अरे एक ही नारा गूंजेगा, अरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा, अरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। विनेश्वर जी, क्या कुछ हो रहा है आज 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में? राम जी का प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को होगा, हनुमान जी को मनाना बहुत पहले जरूरी है, इसलिए झाझा नगर की ओर से हनुमान चालीसा का वितरण किया गया है। आज से ही लोग हनुमान चालीसा का अध्ययन करेंगे और 22 तारीख को भगवान श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा में वो हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, ताकि बिना हनुमान का राम अधूरा है, इसलिए इसका आज से ही हम लोग प्रैक्टिस करवा रहे हैं बांट के हनुमान चालीसा, जो कि राम प्राण प्रतिष्ठा के साथ हनुमान का भी भजन हो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम के स्लोगन लगे तमाम टी शर्ट यहाँ बिक्री के लिए अवेलेबल हैं। यहाँ प्रवीण कुमार सूर्य भी अपनी दुकान सजा कर बैठे, जिस तरह से भगवा रंग लोगों के सर पर चढ़कर नाच रहा है। रेडीमेड कपड़ा व्यापार संघ के अध्यक्ष सुनील केसरी भी आज हनुमान चालीसा ले रहे हैं। कहा भी जाता हनुमान चालीसा जिसके हाथ में रहता ना, भूत पिशाच उसको छू भी नहीं सकता। देखिए एक बात तो हमारे हमारे हनुमान आप लोग महिला इधर आ जाइए, इधर आ जा सर।